अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देखिए अभी ना सुबह का 6:30 बजा है और यहाँ पे कितना धुआं धुआं हुआ है। एकदम दूर दूर तक देखने से ना ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। और मैं जब सुबह उठी ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह का नज़ारा, एकदम धुआं धुआं चारों तरफ। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज संडे है तो मैं कुछ बनाने वाली हूँ और संडे के दिन तो बनाने का खास मन भी करता है। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी पूरी और आलू करी। तो मैंने पूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आटा लिया है, इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, वेजिटेबल ऑयल, और इसमें मैंने डाला है कलौंजी और अजवाइन और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस पर मैं इसको मिला लूँगी इसी तरह से हथेली में मसल मसल के। तो जब भी हम खास्ता करें ना तो इसी तरह हथेली में अच्छी तरह से हम मसल लेते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम डाले रहते हैं ना वो अच्छी तरह से मिल जाती है आपस में। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी डाल के मैं इसको गूंद लूँगी आटे को। तो जब भी मैं पूरी बनाती हूँ ना, मैं हमेशा आटे में ही बनाती हूँ, मुझे मैदा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैदा उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। और मैं इसको यहाँ रख दूँगी। उसके बाद देखिए मैं आलू बॉईल कर ली थी, तो मैंने मीडियम साइज आलू ली थी, 5-6 आलू थे। तो इस तरह से मैंने इसको चक्कू में इसको कट कर लूँगी। इसको इस तरह से कट करने से ना जो भी हम लोग का ग्रेवी बनता है ना तो वो थोड़ा गाढ़ा बनेगा, क्योंकि अगर हम पहले से ही इसको बिना उबाले बनाएंगे ना तो वो उतना गाढ़ा नहीं बनता। अगर उबाल के हम इस तरह से कट करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है। तो मैं यहाँ पे करी बनाने के लिए कढ़ाई रख दिया है और उस पर तेल भी डाल दी हूँ। तेल गर्म हो गया है तो मैं इस पर डाल दूँगी जीरा। जब मेरा जीरा चढ़क जाए ना तो फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे प्याज। तो एक हरी मिर्च भी कट करके रखी थी उसको भी मैं डाल दूँगी और उसको चला लूँगी। जब तक मेरा प्याज ब्राउन होता रहे तब तक मैं यहाँ पे टमाटर कट कर लूँगी। तो देखिए आलू का जो करी बनता है ना वो इस तरह से बनाएंगे ना आप तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो मैं बहुत कम आलू बनाती हूँ, क्योंकि आलू हमारे घर में बहुत कम खाते हैं, अम्मी को डायबिटीज़ है। तो अभी मेरा प्याज हो गया था तो मैंने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा जीरा धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर और तीखी मिर्च पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर डाला और इस पर इसको मिला लूँगी अच्छी तरह से। फिर जब तक मेरा मसाला थोड़ा से हो रहा है, पक रहा है, तो देखिए मैं ना यहाँ पे दूसरा वाला फ्लेम जो उसको भी ऑन कर लिया है तो उसको उसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी और इस पर दूसरा कढ़ाई रखूँगी, क्योंकि मुझे अभी बनाना है पूरी। तो पूरी के लिए मैं कढ़ाई पे डालूँगी तेल। तो जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है यहाँ पे मैं लोई बना लूँगी। तो आटे को मैं कुछ देर ढक के रख दी थी ना तो आटा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया था। तो यहाँ पे लोई बनाऊँगी, हम लोग लोई बनाएंगे, रोटी का लोई जितना बड़ा लेते हैं ना उसका हाफ ही लोई लेंगे, मतलब एक लोई का हाफ करेंगे, जितना साइज आता है उतना ही बड़ा साइज होगा पूरी का। और इधर देखिए मेरा मसाला बनके तैयार हो गया था तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी टमाटर। उसके बाद इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको थोड़ा देर हम लोग इसी तरह रख देंगे पकने के लिए। जब तक टमाटर हमारा गल रहा है मैं यहाँ पे पूरियाँ बेल लूँगी। तो देखिए मेरा जो पूरी है ना मैं उसको ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, बस ना ही पतला ना ही मोटा, मीडियम साइज पूरी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक पूरियाँ बेल के इस पर रख लूँगी। देखिए मेरा मसाला हो गया था, मतलब मेरा टमाटर भी पक गया था। जब टमाटर पक जाए ना तो हम उस पर डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की खुशबू आ जाए ना तो उस पर मैं, उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे आलू। तो आलू के सब्ज़ी में ना कसूरी मेथी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी से। और यहाँ पर मैं इसको इसी तरह पानी, थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए ना इसको करीबन 3 से 4 मिनट में इसको इसी तरह से पकाऊँगी। और अभी 4 मिनट हो गया है, देखिए मैं इस पर डालूँगी पानी अभी और थोड़ा सा चला लूँगी। अभी ये थोड़ा सा पतला लग रहा है ना तो थोड़ा देर के बाद ये आलू जो है ना पानी को सोख लेगा और जो इसका करी है ना ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो इसको इसी तरह से हम पकने देंगे थोड़ा देर के लिए, इसको छोड़ देंगे।
और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा तेल गरम हो चुका था और मैं यहाँ पे जो पूरियाँ बेल के रखी थी ना, तो उसको यहाँ पे मैं छान लूँगी। मैंने बहुत सारे पूरियाँ बाद में मैंने बेल लिए थे, तो दूसरे तरफ भी मैं मुझे देखना पड़ रहा है, उधर आलू का करी भी बना रही हूँ, तो दोनों तरफ देखना पड़ रहा है, ध्यान देना पड़ रहा है, तो कुछ कुछ स्किप भी हो जा रहा है वीडियो। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरी कितना परफेक्ट मतलब फूल गया है, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से ना पहली वाली पूरी जो है बहुत ज़्यादा लाल हो गई है, और देखिए ये वाला पूरी भी बहुत ही अच्छी तरह से फूल गई है। और अब्बू को ना बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो अब्बू जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो मैं जल्दी जल्दी से कैसे करूँ करके, तो अम्मी भी आ गई थी, तो मैं क्या की जल्दी से मेरा यहाँ पे तैयार हो गया था। तो आलू करी मैं यहाँ पे धनिया पत्ता डाल दी और यहाँ पे देखिए रेडी हो गया है, और उसके बाद मैं अम्मी को अब्बू के लिए नाश्ता तैयार करके मैं दे दी। मैं बोली अब्बू के लिए पहले ले जाओ, फिर मुझे थोड़ा आराम से वीडियो बनाने का भी मौका मिलेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे बाकी के जितने भी पूरियाँ थे मैं यहाँ पे एक एक करके सब छान ली थी, और आज ना मेरे सारे पूरियाँ, एक ऐसे भी पूरी नहीं जो ना फूली हो, सारी पूरियाँ मेरी फूल गई थी आज, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब कोई भी एक भी पूरी ऐसा नहीं कि आधी फूली हो और आधी नहीं, सारे के सारा पूरा परफेक्ट पूरियाँ फूली थी। और तो फिर आप लोगों को मेरा पूरी और आलू का करी कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए मैंने कितने सारे पूरियाँ बना लिए बाद में, तो जब मतलब कोई जल्दी जल्दी होता है ना, थोड़ा परेशानी होता है सुबह सुबह खाने के लिए, थोड़ा लेट भी हो जाता है ना, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता आप जो भी सोचो करने के लिए, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ जब भी अब्बू थोड़ा जल्दी खाते हैं ना, तो पहले हम अब्बू को दे देते हैं, उसके बाद अपना काम ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद अब्बू को देने के बाद मैं यहाँ पे अपना सारा जो भी जितना भी पूरी है, देखिए मैं कैसे बना ली थी, सारे पूरी मेरे बन चुके थे। उसके बाद सुबह का नाश्ता हम लोग कर लिए, सुबह का नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ ऊपर आ गई क्योंकि मुझे बहुत काम करना था, ऊपर का घर ना काफ़ी दिन हो गया मैं ऊपर नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था ऊपर आने के लिए, ऊपर बहुत ही गंदा होके पड़ा हुआ था। और आगे को अभी कुछ दिन में रमज़ान का महीना भी शुरू हो जाएगा, और आप लोग तो जानते हो रमज़ान में कितना सारा काम होता है, फुर्सत ही नहीं मिलता, और इसलिए मैं सोची कि चलो आज ही इसका साफ़ सफाई कर देते हैं, बीच बीच में आके बस झाड़ू वगैरह कर देंगे तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और देखिए अजान भी यहाँ पे कैसे झाड़ू कर रहा है, तो हम लोग कुछ भी करते हैं ना उसको भी अच्छा लगता है वही करने के लिए। और ये वाला कमरा भी देखिए, सारा कमरा एकदम गंदा हुआ था बाहर अंदर हर जगह। हाँ। तो ऊपर वैसे तो 5 बेडरूम है, 2 वाला हम लोग किराए में दे दिए हैं और बाकी 3 बेडरूम ऐसे ही हैं, एक में ताला लगा हुआ है, जो बाकी जो 2 रूम खुले हुए हैं बस उसी को ही मुझे साफ़ करना है, बाकी डाइनिंग वगैरह भी साफ़ करना है। तो ऊपर बहुत सारे जाले लगे हुए थे, वही सब मैं पहले सोची कि जाला वगैरह मैं साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं पीछे जो है पोछा वोछा लगाऊँगी। और तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाओगे और फुल वीडियो वॉच करिएगा। तो देखिए यहाँ जो बाकी का जो मैं झाड़ू ना ऊपर से सब कुछ कर ली थी, बाकी साफ़ सफाई में तो उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब भी साफ़ सफाई करना होता हो ना, तो उस दिन या तो आप खाना उना कम बनाओ या तो फिर जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करो, क्योंकि ये सब काम के लिए ना अलग से टाइम निकालना पड़ता है, इतना टाइम हम लोग के पास नहीं होता कि हम घर के सारे काम करें और एक्स्ट्रा काम भी करें उसी दिन, इसके लिए एक अलग दिन जो है उसको निकालना पड़ता है, टाइम भी निकालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे सोफ़ा के जो कवर वगैरह है ना वो भी बिखर गए थे, तो कभी कभी अब्बू ना बच्चे लोग को भी ले आते हैं तो यहाँ तो वो लोग चढ़ते हैं ऊपर नीचे होते हैं ना, तो इधर उधर हो जाता है, तो मैं बीच बीच में आ जाती थी देखने के लिए, तो काफ़ी दिन से मैं ऊपर भी नहीं आ पा रही हूँ, और बच्चे लोग भी और आते नहीं हैं ऊपर, तो अब्बू का भी घुटनों में जब से दर्द हुआ है ना, तो वो सीढ़ी में आते ही नहीं ऊपर देखने के लिए, नहीं बच्चे लोग आते हैं।
तो अब जो कुछ भी मैं यहाँ पे ठीक ठाक करके जाऊँगी ना, तो यहाँ पे दोबारा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि बच्चे लोग दोबारा आने वाले नहीं हैं। वैसे भी उमेर बहुत बिजी हो गया है, उसका एग्ज़ाम है अभी, तो वो अभी थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ। तो वो स्कूल जा रहा है, 12 बजे आ रहा है ना, तो 12 बजे आने के बाद नहा धो के फिर दोपहर का 1 बजे खाना वाना खा के ना 2 2:30 बजे वो सो जाता है, फिर उठता है जाके, फिर शाम को 5 बजे दोनों उठते हैं। तो 5 बजे बस 1 1 घंटा खेलते हैं, फिर पढ़ाई करने बैठता है वो। बस पढ़ाते पढ़ाते फिर मेरा शाम का नाश्ता वास्ता बनाने का टाइम हो जाता है, तो ऐसे मैं फिर नाश्ता बना के खाना वाना खा के सोते सोते रात का 11 बज जाता है। तो और ऊपर आने का किसी को भी टाइम नहीं है, ना बड़ों को ना बच्चों को, तो ऊपर का बस ऐसे ही खाली रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिए।